रूस की सीमा में ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश, ब्रेक करें नेटो के ड्रोन और एयरक्राफ्ट की घुसपैठ की कोशिश। ये बहुत बड़ी खबर है, दिखाइए इस ब्रेकिंग को, सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा। पहले पेस्कोव रीजन के बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश, पेस्कोव के गवर्नर मिखाइल वद्रनिकोव का यह दावा है। विद द विजुअल्स नाउ, यह बहुत बड़ी खबर है। रूस की सीमा में ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश, नेटो के ड्रोन और एयरक्राफ्ट की घुसपैठ की कोशिश, पेस्कोव रीजन के बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश। सीधे आइए बिग वॉल पर, उसके बाद मैं सीधे मनीष के पास चलूंगा और फिर उसके बाद आशीष के पास। रूस वर्सेस नेटो सून, यह बहुत बड़ा सवाल है। वेरी गुड लाइन, रूस वर्सेस नेटो सून, यह बहुत बड़ा सवाल है। नेटो ड्रोन की रूसी सीमा में घुसपैठ की कोशिश, चिंताजनक। दूसरी बात, पेस्कोव बॉर्डर से यूएवी के जरिए घुसपैठ की कोशिश, दूसरे एयरक्राफ्ट से भी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश। नेटो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से पहले कोशिश की गई। नेटो देश लैटविया एस्टोनिया से सटा है पेस्कोव, पेस्कोव के गवर्नर मिखाइल वद्रनिकोव का यह दावा है। यह ब्रेकिंग शॉट्स और विजुअल्स के साथ सीधे मनीष के पास चलिए। मनीष, मनीष मुझे बताइए क्या जानकारी आ रही है, क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, पेस्कोव के गवर्नर का कहना यह है कि नाटो कंट्री की तरफ से, यानी लातविया और एस्टोनिया जो कि नाटो मेंबर है, उस बॉर्डर से एक यूएवी आया था जिसे भगा दिया गया है। लेकिन फिर बात वही है कि जिस तरह नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि नाटो के किसी एक देश पर आक्रमण होगा तो नाटो पर आक्रमण माना जाएगा, उसी तरीके से अगर नाटो का कोई देश रूस पर आक्रमण करेगा तो फिर रूस का भी आर्टिकल है कि फिर रूस तय करेगा कि कहाँ लड़ना है, किससे लड़ना है, किस हिसाब से लड़ना है। तो मुझे लगता है कि एकदम बात सही है कि अब नाटो बनाम रूस कभी भी हो सकता है, और ये चिंगारी रह रह के भड़कती है। हमने पोलैंड में मिसाइल गिरते हुए देखा था। बहुत हद तक ये भी बात सही है कि उस समय कहा गया कि अमेरिका या नाटो देश तैयार नहीं है रूस से सीधे सीधे मुकाबला करने के लिए। ऐसी स्थिति में अगर नाटो के किसी छोटे से देश यानी लातविया और एस्टोनिया की तरफ से भड़काने वाली कार्रवाई होती है तो फिर मुझे लगता है कि जिस जंग का किसी दुनिया में कोई नहीं चाहता है वो शुरू हो सकता है, यानी रूस और नाटो के बीच सीधी टक्कर, और जिसका दुष्परिणाम कितना भयानक होगा।